सभी स्टेट में क्या है, यूनियन टेरिटरी में क्या है, वही बातें दोहराने का हमको कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा समाज है उसमें 9 जो सब ग्रुप है उनमें से 80% लोग हमारे एक सूची में आ गए हैं। तो जहां मान लो कि कर्नाटक में एससी में है तो उस ग्रुप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उसमें कांग्रेस में हो तो कांग्रेस वाले हो, बीजेपी में हो तो बीजेपी वाले हो, वो अपना अपना काम तो करता रहेगा, अपने अपनी पार्टी का एजेंडा भी उनका होता है तो वो तो रहेगा और वो अपने लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। और अकेले पॉलिटिकल लीडर कर लेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। और अकेले जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं, हमारे जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर है वो कर लेंगे वो भी शक्य नहीं है। हम सब एक फोरम पर आ जाए और सब हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि घर घर में भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, स्टेट स्टेट में गली गली में है। लेकिन ये महाप्रवाह होके हमें सरकार को उमेश यादव कहे तो हम उनके लीडरशिप में काम करना तैयार है, हमको हरिबाबू राठौड़ कहे तो हम उसकी लीडरशिप में काम करने तैयार है, अरे हम संजय राठौड़ कहे कि भाई आप आ जाओ तो वो हमारा मसीहा बने तो उसको भी हम मसीहा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, अमर सिंह तिलावत मसीहा बनना चाहते तो उसको भी हम मसीहा बनाने के लिए तैयार है। बात सिर्फ इतनी है कि एक बड़ा फोरम एक महा एक फेडरेशन बन के इसमें हमको सरकार को एक ही कहना है कि साहब आप हमारी यहाँ वो महाराष्ट्र में एक मीटिंग हुई थी साहब, उसमें 5 दिन तक मीटिंग चली, इसमें 15 लाख लोग आए, इसमें बड़े बड़े योगी आदित्य जी आए, उसमें वो फलाना फलाना वो बाबा रामदेव आए, अपना सब अपना काम की बात, उसमें इतनी बड़ी मीटिंग हुई, लोग कहते कि 15 लाख लोग आते जाते रहे, 1000 एंड 1000 टांडे वाले आए, हमारे ऊपर 525 संत उसमें आए, लेकिन हमारी जो आर्थिक समस्या है, हमारी जो सामाजिक समस्या है, हमारी जो पॉलिटिकल समस्या है, उसके लिए एक नेता एक सेंटेंस भी वहां बोला नहीं था साहब। इसलिए एक पूरी बातें जो है ऐसे उसका मैं स्वागत करता हूं। उसमें हमने सिर्फ इतना बड़ा फोरम में हमने वो मुसलमानों को गाली गलौज दी और ख्रिस्ती मिश्रियों को गाली गलौज दी, वो ठीक है जिसका एजेंडा हो तो उस एजेंडा में लोग चले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी एक सूची में जाने की तो 20-25 लाख को बच गए हैं साहब। मध्य प्रदेश वाले कुछ लोग बच गए हैं, उत्तर प्रदेश वाले कुछ लोग बच गए हैं, राजस्थान में 50% लोग कुछ बच गए हैं और गुजरात में ये फ्यूल है। सब मिला के मैं आपको बताऊं 25 लाख से ज्यादा लोग है नहीं, तो हम कहते हैं कि हमारे 5 करोड़ लोग है, 5 करोड़ में से बाकी के सब यदि एक एससी एसटी अभी सूची में चले गए हैं तो बाकी के 25 लाख लोगों को एक अनुसूची में ले जाना जैसे जैसी अनुकूलता हो ऐसे रूप में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे जो हमारे विश्व वंदनीय नेता जो नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने 2014 में उन्होंने 4 जातियों को आश्वासन दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी आपको शेड्यूल ट्राइब में ले जाऊंगा, आज तक उसकी बिल आई नहीं, उसकी बिल आएगी भी नहीं मैं आपको बताऊं। और ये दूसरी जगह है, आप अभी देखिए कि मणिपुर में मतलब ख्रिस्ती ट्राइबल्स और ये यहाँ जो हिंदू ट्राइबल्स के बीच में भी झगड़ा शुरू हो गया है। इस झगड़ा का ऊपर राजनीतिक ऑब्जर्वेशन में कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन में करने वाला नहीं हूँ, मैं इतना मानता हूँ कि हमारा केस बिल्कुल अलग है। 5 करोड़ की आबादी में 25 लाख लोगों की समस्या कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि साहब आपने हमारा इतना काम किया है। और मोदी साहब ने कर्नाटक में पहले 2014 का इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात में का हूँ, मेरा बंजारा समाज के साथ विशिष्ट नाता है। और इस वक्त भी उमेश यादव साहब भी थे जब वो पत्ते बांटने के लिए वो क्या पत्रक बांटते थे, मतलब वो कर्नाटक में इलेक्शन के पहले, अभी जो इलेक्शन हुआ उसके पहले भी उन्होंने कहा, दिल्ली में कहा कि बंजारा लोग तुम चिंता मत करो, एक बंजारा समाज का बेटा दिल्ली में बैठा है। तो ये सब जो भावनाएं हैं, इस भावनाओं को हमको मैं उमेश यादव साहब को विशेष रूप से कहता हूं कि आप 5 साल से संसद सदस्य रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये इश्यू उठाइए। इस इश्यू उठाने के लिए देखो साउथ में कर्नाटका में तो है, कर्नाटक में आप 17% में जो हिस्सेदार थे उसमें से आप 4.5% में आ गए हैं, अभी आप देखना 4.5% में से भी आप लोगों को निकल दिए जाएंगे, क्योंकि देखो मैं कोई
मैं तो आज भी कोई राजनीतिक पार्टी का दल नहीं हूँ। मैंने आरएसएस में काम किया, मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, परिवार के सदस्य के रूप में मैंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ काम किया, यहाँ 14 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया। तो हमको देख लेना चाहिए, हमारे नेतागिरी जो पॉलिटिकल पार्टीज में है उनको भी देख लेना चाहिए। उनके खुद के पॉलिटिकल इश्यू है, अपनी पार्टी का एजेंडा है, उनको टिकट की चिंता होती है वो मैं समझता हूँ, उनको भी फंड चाहिए चुनाव जीतने के लिए वो मैं समझता हूँ, और चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनने की उनकी चिंता है वो भी हम समझते हैं। हम उनके साथ हैं, अपनी अपनी पार्टी में वो मंत्री बने हमारी शुभेच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि बलराम नायक को हमने मिनिस्टर बनाया था, ऑल इंडिया गुरुद्वारा सेवा समिति इकट्ठी हुई थी दिल्ली में, और हमने कहा था उस वक्त वो कौन थे, वो अहमद भाई पटेल, कि भाई हमारे समाज का एक आदमी है तो आप उसको मिनिस्टर बनाओ, तो बनाया। हमारे लोग जो भी मिनिस्टर बनना चाहते हैं हम उनकी सिफारिश करेंगे, ठीक है सर, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करिए, सच को समझिए और सच को सच कहिए और झूठ को झूठ कहिए और क्लियर कट पॉलिसी के साथ जाने माने डॉक्टर और एआईबीएसएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और आज के कार्यवाही